हेलो फ्रेंड्स, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा, क्वेश्चन है, अ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू अ केबल टू एन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है जो केबल के द्वारा, इसमें आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है, जैसा कि इसमें कहा गया। द मिनिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ मेजरिंग इज 1000 हर्ट्ज़। तो आपको यहाँ पे मिनिमम फ्रिक्वेंसी दे दी गई है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है आपकी, ये दे दी गई है आपको 1000 हर्ट्ज़। ठीक है, तो ये आपको दे दी गई है 1000 हर्ट्ज़। और इसमें आगे बोला है, इफ द कनेक्टिंग केबल लेंथ इज डबल, अगर कनेक्टिंग केबल लेंथ आप कितनी कर दें, इसमें डबल कर दें, दैट मीन्स आपकी जो लेंथ है वो कैसी हो जाती है, आपकी डबल हो जाती है, जो नेक्स्ट न्यू है। ठीक है, तो न्यू मिनिमम ऑपरेटिंग डबल इज, या फ्रिक्वेंसी, सॉरी, द न्यू मिनिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इज, तो जो न्यू फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होगी, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं, आपने जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आप बस बेसिकली समझिएगा किस प्रकार से मैं पीजो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चंस को डील कर रहा हूँ। तो पीजो इलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगने वाला है, तो आप देखिएगा। देखिए, आपको सबसे पहले तो बेसिकली पता होना चाहिए पीजो इलेक्ट्रिक हमारा किस प्रकार का होता है। ये एक क्रिस्टल होता है, ठीक है, हम लोग एक क्रिस्टल लेते हैं जिसमें कोई भी आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर आपको क्या, नंबर ऑफ चार्जेस वोल्टेज के फॉर्म में मिलते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे चार्जेस मिलता है, क्लियर। चलिए, मैं यहाँ पे कंसेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता है, सी इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन ए अपॉन एल। यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, एरिया हो गया आपका, इसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एल इंटू बी। ठीक है, ये आपका एल हो गया। तो अब इसमें यही बोल रहा है, अगर इसकी लेंथ डबल हो जाए तो क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे सी इक्वस टू आ गया एप्सिलॉन बी। दैट मीन्स ये नॉर्मली सी इक्वस टू मिल गया आपको एप्सिलॉन बी। तो अगर मैं न्यू कैपेसिटेंस यहाँ पे निकालूँ, तो न्यू कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन इंटू टू बी, क्योंकि यहाँ पे डबल करने की बात बोल रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखें, टू बी दिया गया, तो टू एप्सिलॉन बी, और एप्सिलॉन बी हम क्या बोल रहे थे, सी, तो 2c, यानी कि न्यू जो c डैश आया वो कितना आया, 2c आया। आपको एक रिलेशन पता होगा कि x इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा c, यानी कि 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, क्लियर। तो x c डैश क्या होगा, x c डैश होगा इधर पे 1 अपॉन 2 पाई एफ डैश c डैश, क्लियर। यही होगा आपका एफ डैश c डैश। तो ये हो गया आपका एक रिलेशन। तो मैं यहाँ पे क्या, अगर मैं दोनों को बराबर कर दूँ यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ डैश सी डैश इक्वस टू हो जाएगा आपका एफ और सी। इसे एफ वन एफ टू के फॉर्म में भी आप लिख सकते थे। तो एफ डैश इक्वस टू आ गया आपका सी अपॉन सी डैश इंटू एफ। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आपको दिया गया था सी डैश इक्वस टू टू सी, ये आपने निकाला, तो सी डैश इक्वस टू टू सी, तो ये हो गया, ये आपका सी है। और आपको फ्रिक्वेंसी कितनी दी है, 1000, आपको फ्रिक्वेंसी दी है 1000। तो आप इसे कैंसिल कर देंगे, दैट मीन्स 1000 बाय 2, तो आपका आ गया 500 हर्ट्स। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं 500 हर्ट्स, 1000 हर्ट्स, 2000 हर्ट्स, 4000 हर्ट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, जैसा कि आप देख सकते हैं ए इज करेक्ट, क्लियर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको हमने इस प्रकार से सॉल्व कर दिया बेसिक कंसेप्ट से। तो आप एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ लीजिए और लगाइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।